Assalamu alaikum ladies and gentlemen, this is Mukhtar Ahmed with the virtual university course of human resource management and that is MGT 501. So today we are here with our lecture number 27 and as you know that this is a very important subject of course for those students who are taking it as a required course. For their degree program, but even other people, they can also get benefit of this course. The people who are watching this, they can also use the information which we are providing in this course for their benefits. So, let us start our today's session. And as, as I said, that in this session, and this session is of our lecture number 27 we will be discussing the few other aspects of the already started last lecture which was 26th and then we will go for next topic and that is job evaluation today so let us start our today's session लेट्स क्विकली गो बैक एंड सी वट वी हैव कवर्ड इन स्टेक्चर बट आलवेज कीप यू इन यूर माइंड दैट वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट द पीपल वर्किंग विद यू और अब तक हमने सिंस दिस इज अवर ट्वेंटी सेवन्थ लेक्चर तो काफी सारे टॉपिक्स जो इस सब्जेक्ट के हमने कवर कर लिए बिलीव

दैट वॉज अबाउट परफॉर्मेंस प्लेजर और उसमें हमने देखा कि इसमें ना सिर्फ आप एवेलुएट करते हैं बल्कि यू यू शुड ट्राई टू मैनेज इट टू फंक्शन है दो फोल्ड इसकी हैं कि एक तो आप उसके एवेलुएट कर रहे हैं दूसरा उसके लिए उसको मैनेज कैसे करना है बिकॉज द बॉटम लाइन इज एवरी एवरी वॉडी वॉन्ट रिजल्ट एंड रिजल्ट इन एफिशियंट एंड एफेक्टिव वे और परफॉर्मेंस अप्रेजल का जो सारा मॉडल है उसके अंदर उसके कुछ स्टेप्स भी हमने डिस्कस किए आई कैन आई विल क्विकली गो थ्रू दो क्यों करना चाहते हैं आपको वॉट आर द ऑब्जेक्टिव और उसमें हमने बताया था आपको कि वेलुएशनल ऑब्जेक्टिव होते हैं और डिवेलपमेंटल ऑब्जेक्टिव होते हैं वॉट इज माईड उसके लिए क्राइटेरिया क्या होगा एंड यू शुड है स्टैंडर्ड्स और स्टैंडर्ड की जब हमने बात की थी तो उसमें कहा था कि इट शुड बी रियलिस्टिक मईर और इस तरह की बाकी उसकी करेक्टरिस्टिक्स हमने आपके साथ डिस्कस किए एंड हाउ विल मईर इट डिफरेंट मैथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल हमने आपके साथ शेयर किए लास्ट टाइम एंड हु शुड बी डूइंग दी परफॉर्मेंस अप्रेजल वो भी आज एक कोर्स इसमें भी स्लाइड है वो भी दिखाऊंगा आपको एंड वेन यू शुड बी मेयरिंग द परफॉर्मेंस इसको भी आज डिस्कस करेंगे एंड दैट विल बी द रिमेनिंग पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड देन मूल क्स्ट ऑपिक्स जैसे मैंने आपसे कहा कि ऑब्जेक्टिव दो थे बेसिक वन डिवेलपमेंटल ए दर एवेल्युएलशनल एंड देवेलपमेंटल तो ये वो लोग हैं ये तरीके हैं या वो हैं जो आपकी इवेल्युएशन कर सकते हैं सबसे पहले तो आप खुद अपनी एवेल्युएशन कर सकते हैं अग्नाशन के अंदर भी सेल्फ जो अप्रेजल uh, है वो होती है यू कैन हैव दी

अगर समझी जाए मुश्किल है अगर फॉर ग्रांटेड लिया जाए तो अगर तो आपने पढ़ा हुआ था सही सुना है फिर जाके देखा है तो दैट इज ए पीस ऑफ केक एग्रीड? लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ द रिमेनिंग टॉपिक्स ऑफ परफॉर्मेंस प्रेजेंट विच वी कूडंट कवर इन ड्यूरिंग अवर लास्ट लेक्चर ड्यू टू टाइम बार नाउ वेन शुड वन मईर परफॉर्मेंस उसका भी कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी के ऊपर बेस्ड टाइमिंग ऑन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजीज एंड टिपिकल टाइमिंग इंक्लूड्स लाइक फोकस पॉइंट भी हो सकता है कि एक ही दफा सबकी परफॉर्मेंस प्रेज हो जाए जिस तरह कल लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि हमारे यहाँ एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट जो होती हैं ए सी आर जिसे कहते हैं पब्लिक सेक्टर के अंदर वो जो है एक दफा साल में होती है वो भी आप कर सकते हैं नेचर नेचुरल टाइम स्पैन ऑफ द जॉब एक खास जॉब जो है उसका स्पैन कितना कितने टाइम के अंदर कंप्लीट होनी है वो भी हो सकता है और इवन यू कैन वैल्युएट पीपल ऑन टास्क बेसिस को उनको प्रोजेक्ट दिया वो कंप्लीट हुआ उसके बेस पे भी आपने उसको वैल्युएशन की सो दैट इज द इट इज़ द डिसन ऑफ द आर्गनाइजेशन वट दे आर आप टू और कितनी बार करेंगे उसकी अप्रेजल दैट इज़ अगेन दे आर लाइक यू इन योर यूनिवर्सिटी यू माइट भी हैविंग टू एग्जाम थ्री एग्जाम सम गो फॉर फोर एग्जाम सम गो फॉर ऑनली वन एग्जाम सो दैट इज़ दी फ्रिक्वेंसी कित कितनी दफ़ा उनको एक सेशन के अंदर एक टाइम फ्रेम के अंदर उनकी वैलुएशन हो सकती है अमूमन देखा गया है या तो लोग मंथली वैलुएशन भी हो सकती है दे कैन हैव द क्वार्टरली बाई एनुअली भी हो सकती है जिसको हम सेमी एनुअली कहते हैं या साल साल के साल एंड ऑफ द ईयर इट मे बी फाइनेंशियल ईयर डेट इज़ हेयर इन पाकिस्तान वी स्टार्ट विद द जुलाई फर्स्ट से ले कर थर्टी जून जून तक जाता है या जिस तरह ऑफ डिसंबर फर्स्ट जनवरी में आपकी एंड ऑफ डिसंबर आपकी अगेन इट डिपेंड ऑर्गेजन इट वेरी एंड सम टाइम इट इज गुड दैट यू शुड हैव एट द कंप्लीशन ऑफ ताकि उसी दौरान आपको मालूम हो जाए कि कहाँ पर प्रॉब्लम है कहाँ पर इशू आया ना वॉट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लाइन मैनेजर वैन वो अटाकिंग बोर्ड द परफॉर्मर्स दे कंप्लीट द रेटिंग पार्ट They do the evaluation, provide performance feedback, and this is a very important subject, topic. As we discussed last time, unless you will give the feedback, there is no big fun of having performance appraisal. And if you want to get real result out of that performance appraisal, you must have a very efficient. An effective feedback system. Is it clear? See, like last time we were discussing that unless somebody will tell you that okay, you are doing this thing right or wrong, how can you make the corrective action? So, for that purpose, the feedback, the proper feedback is essential, and that is again your boss, or your, your line manager, that is their responsibility that they should give you the timely feedback. So, that you should make the corrective actions, or if you have done something well, you should have the high morale and it is recognition, yeah, and big motivation factor. What, what else then? And again, during that time, they also set the goals for the next period. If it was annually, yes. One year is completed, you have done this, this thing good, here something was wrong and yes we need some training and development, you have to work hard whatever but let's see what is the next target, what is the next goal for the next period. And this is also the line manager's responsibility, the boss jo aapka hai, uski responsibility that they should fix with your consultation, yes of course, it should be realistic of course, same time, Ugly based on this performance, this will be your next goal. Now, what is the HR department's responsibility as far as the performance appraisal is concerned? Of course, they, they are the facilitator, right? So, they develop the appraisal system, they provide all those logistics, the materials, the format, or whatever. They also provide rated training. Whoever will be doing the rating thing, they have to train them that so that he or she should be very much clear what he has to rate. What are the standards? What was it written in the job description? What was actually his or her job? And now, based on those things, how he or she will be rating. So that there is, they, are, they want to minimize all those biases, biases things which can affect your performance appraisal. And of course this is also human resource department's responsibility that they should monitor and evaluate the appraisal system, whether it is working properly or not. So that is the job of the HR department. But still after doing so much, we have seen that this appraisal, performance appraisal fails, your organizations are not getting the results, they are not getting the proper outcome of that appraisal system for which this was designed and that can be due to so many different reason and you can see in this graph or this diagram couple of those reason mentioned here let's go one by one and try to understand why those performance appraisals fail let's start with the one manager lacks information they don't have enough information about the appraisal system they may be even not aware of the importance of this appraisal system, how they will be doing, what kind of standards they are looking and how it is related with the job of that particular person. So, that might be one reason and of course, it is a big reason. Then, lack of appraisal skill, the same thing. The person who is doing the appraisal is lacking that basic skill of judging the people and he may not be even having the basic, that is why see in the previous slides that we, we have seen that HR department they provide the training to those people who will be rating the people. So, with this training, yes, they want to add the skills of rating. So, here, due to lack of those skills, appraisal skills, you can have the problem. Next is managers not taking appraisal seriously, and some people feel that it is just a, a requirement paperwork. If you do not take anything seriously, of course. बेसिक एसेंस इज मिसिंग दैन अगर तो वो ये समझते हैं कि यस ये तो सिर्फ फॉर्मेलिटी है एक दो पेज फिल करना है एट द एंड ऑफ टाइम बस साइन करके दे देना है, राइट वेरी वेरी गुड गुड एक्सीलेंट सो उसका जो बुनियादी मकसद था वो तो खत्म हो गया तो अनलेस एवरी बॉडी विल टेक इट सीरियसली यस इट इज नॉट ओनली द रेटेड आर दस पर्सन हुइंग दर प्रेजल जिसका प्रपेजल हो रही है जिसकी वेल्यूशन चेक हो रही है उसको भी इसको सीरियस लेना है एंड हाउ कैन ही और शी टेक इट सीरियसली दैट दे शुड अंडरस्टैंड दे शुड फाइंड आउट वट वॉज रॉन्ग एंड इफ दे हैव डन समथिंग गुड हाउ इट वॉज पॉसिबल दैट दे हैव अचीव दिस थिंग सो दैट इन फ्यूचर दे शुड कंटिन्यू इट एंड इफ दे आर नॉट अप टू द मार्क सो वट इज द मिसिंग पीस इज समथिंग रॉन्ग इज इट दी his or her abilities or something is missing there or the motivation factor is not there or maybe it is the opportunity they are not getting proper opportunity so that they should deliver. So, remember we have to take these things seriously. In the organization the people who are doing appraisal they should be very serious take it very serious activity because all of as I said this is the bottom line. तो आपकी आर्गनाइेशन की बहुत सारी चीज़ें आपकी आउटकम आपकी परफॉर्मेंस आपकी जो ग्रोथ है वो इस पर डिपेंड कर रही है तो इसको अगर सीरियसली लेते तो दिस इज आल्सो अनदर रीजन दैट यू अप्रेजल सिस्टम विल फेल उसके अलावा मैनेजर नॉट आर नॉट प्रिपेयर दे आर नॉट रेडी टू गो फॉर अप्रेजल एट दिस टाइम मे बी इट इज दोज प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट इज नॉट स्टिल कंप्लीटेड अभी तो दरम्यान में ही है तो अंदाजा नहीं लगा सकते कि एंड रिजल्ट क्या होगा अदर माइट बी सम अदर रीजन पर्सनल आर सिचुएशनल फैक्टर्स दैट दे आर नॉट मैनेजर्स आर नॉट रेडी सो दैट इज वाई दिस विल फेल देन सिमिलरली यूर अप्रेजल विल ऑल्सो फेल द सिस्टम इन दर्गनाइेशन इफ द एम्प्लाइज दे विल नॉट रिसीव ऑन गोइंग फीडबैक मैं बार बार स्पेशल दे रहा हूं कि मैंने खुद भी देखा है कि अप्रेजल्स होती हैं आपको मालूम ही नहीं हो रहा होता कि क्या हो रहा है आपने कैसा काम किया जस्ट इट इज इन द डिपार्टमेंट समेयर इन द फाइल इफ इट इज गुड नो बड यू वरीफ इट इज बैड मे बी दे आर कीपिंग इट सो दैट एट द प्रॉर टाइम दे विल ब्रिंग इट आउट एंड देन दे फिक्स यू इट्स अनफॉर्चुनेट बट इन रियालिटी अनलेस आई नो द फीडबैक इसका कोई फायदा नहीं है तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि अगर एम्प्लाइज को ऑन गोइंग जो उनके फीडबैक साथ हो रहा है वो नहीं हो रहा तो उस अप्रेजल का को कोई फायदा नहीं है. और वो फेल हो जाएगी सिमिलरली मैनेजर में भी डिसऑनेस्ट Or he is not or she is not honest or biased. Remember, during our last lecture, we also covered some greater errors things like management biasness, the hollow effect, the strictness or recency or whatever. So, if there is some kind of bias due to any reason, intention, unintentional, that can also affect your performance appraisal method. तो इसलिए ये एचआर डिपार्टमेंट का भी ऑपरेटर का भी जिम्मेदारी होती है कि दे शुड मेक श्योर कि इट इज नथिंग पर्सनल इट हैज टू डू समथिंग विद परफॉर्मेंस एंड ऑफ़ कोर्स विद ऑर्गेनाइजेशन बेसिक ऑब्जेक्टिव कीप योर माइंड अदर थिंग कैन बी लाइक इन इफेक्टिव डिस्कशन ऑफ इंप्लाइज डिवेलपमेंट अगर तो सी वी हैव अर्लियर सीन दैट ऑब्जेक्टिव इज एवेल्युएशन एंड डिवेलपमेंट अगर वो जो डिस्कशन हो रही है कि डेवलपमेंट ऐसे होनी चाहिए या फिगर आउट कि इसके अंदर ये डेफिशिएंसी रहेगी इनको ये ट्रेनिंग होनी चाहिए और वो करते होती नहीं है सिर्फ जबानी जमा खर्च पे डिस्कशन पे रहती है तो फिर भी फिर आपका तो कंप्लीट वो पिक्चर नहीं हुई ना तो आपका वो परफॉर्मेंस अप्रेजल फेल हो गया अनक्लियर लैंग्वेज सम टाइम वो जो परफॉर्मेंस करने वाला भी होता है अगर तो वो बड़ी डिफिकल्ट कोई परफॉर्मेंसें बने हुए हैं उसको भी समझ नहीं आ रही शायद तो वो रेलिवेंस ही भूल जाता है या अगर फीडबैक दे रहे हैं तो वो इट इज़ नॉट इन ए लैंग्वेज और एट द लेवल वेयर दैट पर्सन इज उसको भी समझ नहीं आएगी ये क्या कह रहे हैं और जब समझ नहीं आएगी तो उसका फायदा भी नहीं होगा सो दैट इज अनदर रीजन सिमिलरली इनसफिशेंट रिवॉर्ड फॉर परफॉर्मेंस एक तो है ना कि अगर अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हुई तो उसके साथ भी कुछ वो जो है ना रिवार्ड और पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट जजा और सजा का कॉन्सेप्ट वो साथ जरूरी है बड़ा ये आपको आगे मूव करता रहता है साथ आपको लेके चलता है जिस तरह अगर किसी ने गलती की है उसको रियलाइज भी नहीं कराया आपने किसी से नुकसान हो गया उसको एहसास भी नहीं हुआ तो अगेन ही विल डू द सेम थिंग शी विल डू द सेम थिंग द सेम वे ऑन अदर साइड इफ संबडी हैज डन एक्स्ट्रा वर्क एंड ही हैज़ वर्क डे एंड नाइट फॉर आर्गेनाइजेशन एंड ही हैज डिलीवर्ड इट एंड प्रूव इट दैट ही इज हेज आर हर परफॉर्मेंस इज एक्सीलेंस बट देन आर्गेनाइजेशन इज नॉट गिविंग हेमर हर द रिवार्ड एंड रिमेंबर रिवार्ड कैन नाट ओनली बी द मनी मनी इज नॉट द ओनली थिंग इट कैन recognition, it इट कैन appreciation, it इट कैन something समथिंग एज of course मनी टू तो जब आप जिसने अच्छा काम किया जिसने नहीं काम अच्छा किया दोनों को एक जैसा लेवल पर ट्रीट करेगी ऑर्गनाइजेशन तो फिर वो जो थ्रस्ट है वो ड्राइव है अच्छा काम करने के लिए आगे बढ़ने के लिए वो मिस खत्म हो जाएगी और वो सारा जो परफॉर्मेंस अप्रेजल का कॉन्सेप्ट है या जो परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट की बात कर रहे हैं वो फेल हो जाएगा तो यू रिमेंबर वैन समूइंग गुड जॉब आप उसको ऑर्गेनाइजेशन ने उसको रिकोगनाइज करना है उसको रिवार्ड देना है और रिवार्ड की शक्ल कोई भी हो सकती है कभी कभी खाली वकअप कहना भी थैंक वेल डन कहना भी बहुत अहमियत रखता है बनस्पत के उसके मुकाबले में उसको कुछ सैलरी इंक्रीज कर दी जाए सो आई थिंक वी हैव एनफ अबाउट दिस रीजन्स इसके अलावा भी बहुत सारी रीजन हो सकती हैं आप सोचिए है। टेक्स में से भी देखिए जो आपकी किताबें हैं लेकिन ये रियलिटी है कि सिस्टम फेल भी होते हैं और क्यों होते हैं कुछ मिसालें मैंने अभी आपके साथ कुछ रीजन मैंने आपके साथ शेयर किए अब हम परफॉर्मेंस को किस तरह इंप्रूव कर सकते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल तो इस नाउ वी स्टार्टेड विद दिस सब्जेक्ट लाइक स्टार्टेड विद परफॉर्मेंस एंड देन वी शिफ्ट टू परफॉर्मेंस अप्रेजल नाउ लेट सी हाउ कैन वी इंप्रूव दी परफॉर्मेंस पॉजिटिव री पनिशमेंट वही कि आपको एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना है एक जस्टिफाइड तरीके के साथ सजा और जजा का उसके अंदर इन बिल्ड को सिस्टम रखना है कि अगर परफॉर्मेंस ठीक नहीं हो रही तो क्या तरीका होगा हाउ ही आर शी विल बी रियलाइज के सी यू आर नॉट अप टू बा और अगर कोई ने किसी ने अच्छा काम किया और एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अच्छा किया तो देन वो री कैसे करते रहेंगे And it can be through positive or negative reinforcement strategies, right? Similarly, you can have organization can have the employment employees assistance program where they will assist them in their career, in their learning, in their skills. Unka training and development program hota, uske Self management is another way, and again, unless the organization has a, have a good system, we jaza ki and they know, they know that somebody is monitoring them. And if they will do something good, they will get this reward, this opportunity. If they will do something wrong, if they will miss the target, this is the penalty, this is going to be the consequences. Or if they will continue to do better, or they will go for the best, of course, in their career path, they will be getting this opportunity. तो ये चीजें जब ऑब्वियस होंगी तो हर कोई खुद भी अपने आप को भी मैनेज करेगा कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी अच्छी होगी सिमिलरली यू कैन हैव सो मेनी डिफरेंट स्ट्रेटेजीज जिसके जरिए आप परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकते हैं और उसके लिए इवन द एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक ब्रिंगिंग न्यू टेक्नोलॉजी नए तौर तरीके री इंजीनियरिंग जिसे हम ऑर्गेनाइजनल री इंजीनियरिंग कहते हैं प्रोसेस रि इंजीनियरिंग जिसको कहते हैं कि आपने देखा कि इस तरीके से काम हो रहा है इसमें लॉसेस भी ज़्यादा हो रहे हैं टाइम भी ज़्यादा यूटिलाइज हो रहा है और वही बात जो इफेक्टिव न एफिशंसी वाली है उसको नजर रखते हैं तो अगर उसी प्रोसेस को इम्प्रूव कर लिया जाए तो वो भी आपकी ना सिर्फ उस प्रोसेस की बल्कि उस पर्सन की परफॉर्मेंस को भी इंप्रूव इम्प्रूव कर सकती है तो बहुत सारे तरीके बहुत सारी Uh, जो है मेथड एडॉप्ट किए जा सकते हैं जिससे परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सकती है बट अगेन इट शुड बी अ सिस्टमेटिक वे एंड वी शुड बी वेरी अलर्ट ऑलवेज प्रो एक्टिव नॉट दैट समथिंग हैपन एंड देन विल डू समथिंग नो यू शुड बी हेड ऑफ टाइम दूसरों को देखिए अपनी सराउंडिंग में देखिए रिसर्च कीजिए सोचिए और बहुत सारी चीजें खुद बहुत ठीक भी होती जाएंगी नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड और अप्रेजल सिस्टम और फार्मस के लिए बनाने के बारे में हमने पहले भी देखा है बहुत सारी चीजें कुछ चीजें इसमें और भी ऐड कर लीजिए कि वेन एवर यू एज ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट

जो उसको ले लें जो ऑनेस्ट भी हों ट्रेन करना पड़े तो वो भी कर लें ताकि आपको अच्छे रिजल्ट मिले एंड अगेन वट विल बी द राइट टाइम टू अप्रेज लाइक इफ यू स्टार्टेड योर सेमेस्टर और दूसरे दिन ही आपसे कहा जाए कि आप आपका टेस्ट दें दैट माइट नॉट बी अप्रोप्रिएट बट लेट गिव यू टाइम कुछ तो आप पढ़ लें उसके बाद आपका टेस्ट भी हो जाएगा इसी तरह कोई प्रोजेक्ट किसी काबल तो हो जाए कोई काम तो हो जाए फिर उसको वैल्यूएशन देख लें कुछ टाइम गुजर जाए उसको टाइम पार कर लें ताकि सबको क्लियर हो कि कब होनी और कैसे होनी एंड वेरी इंपॉर्टेंट कोड एंड कोड फेयरनेस नो बायसनेस व्हेन देर इज एनी काइंड ऑफ बायसनेस द होल सिस्टम विल फेल सो वी आर डन विद अवर परफॉर्मेंस पार्ट So, what is next? Naturally, now you have hired people, you have seen their performance. Now, everybody has some objective. You are sitting there watching me. What is the catch for you? The catch is you are learning something. I am sitting here in front of this, these cameras and trying to explain to you. What is catch for me? Of course, I'll, being, I'll be paid for that. So what is the bottom line? Nobody do anything free. Everybody has some catches there. So now, let's come to that point. Okay, why people work in the organization? वट इज कैच फॉर देम कुछ उनको कंपनसेशन भी तो करनी है उनको पैसे भी देने हैं आपने अब जब यह डिसाइड करना है कि किसको क्या देना है ऑर्गेनाइजेशन ने तो वो कैसे करेगा यू कैन जस्ट से क्रॉस द बॉर्डर एवरीबॉडी विल गेट द सेम थिंग दैट माइट भी डेंजरस या आपने सिर्फ पर्चियां डाल के इसको इतने दे देते हैं इसको इतने देते हैं वो भी

एट दैट इज़ जॉब वैल्यूएशन एंड प्राइसिंग ऑफ द जॉब आपने ये चीज पहले भी पढ़ी है जॉब वैल्यूएशन रिमेंबर दैट ये उस वक्त पढ़ी थी जब हमने जॉब एनालिसिस को डिस्कस किया था शुरू में चांद शुरू के जो लेक्चर थे उनके अंदर सो लेट्स गो बैक फॉर फ्यू मोमेंट्स एंड जस्ट टेक दोस्त थिंग फ्रॉम देअर एंड एंड मूव फ्रॉम देयर ये जॉब अवेल्यूएशन क्या था उसका आउटकम क्या हमने पढ़ा था याद है कुछ याद होना चाहिए द आउटकम ऑफ जॉब एनालिसिस वॉज जॉब डिस्क्रिप्शन जॉब स्पेसिफिकेशन एंड जॉब अवेल्युएशन एंड वट वॉज जॉब अवैल्युएशन द वर्थ ऑफ द जॉब बेस ऑन विच यू आर गोइंग टू डिसाइड दी price tag for that particular job and that is our next topic we will be discussing so let us start understanding okay, what is job evaluation job evaluation is the process of ensuring internal equity that is jobs comparable worth receive comparable wages kieski worth care equity care

This is a systematically determining relative worth of ए jobs to create वर्थ ऑफ द जॉब्स टू क्रिएट जॉब स्ट्रक्चर इन creating or वे ऑफ क्रिएटिंग of ऑफ दैट पर्टिकुलर जॉब विच वी talking. इसमें बहुत सारे फैक्टर होते हैं कितनी स्किल चाहिए उसके लिए किस तरह की इन्वायरमेंट में काम करना है इट इज अ ब्लू कॉलर जॉब इट इज अ वाइट कॉलर जॉब सो उसकी प्रॉपर वर्थ देखने के लिए जो प्रोसेस है उसको हम जॉब अवेल्युएशन कहते हैं सिमिलरली दिस इज एन अटेम्प्ट वी आर टॉकिंग अबाउट जॉब अवेल राइट टू आइडेंटिफाई इनपुट्स दैट आर मोस्ट वैल्यूएबल टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड टू डिवेलप जॉब हायर उसी वर्थ के बेस पे देखना है कि ये इस लेवल की जॉब है ये उससे थोड़ी सी ऊपर जॉब है ये उससे ऊपर जॉब है ताकि अकॉर्डिंगली आप उसकी वर्थ भी डिटर्मिन कर सकें एंड Of course, consequently uski decide rewards, compensation ya benefits whatever. So the compensation results in a wage or salary hierarchy. This is the job evaluation we are talking about. I hope now it is clear what is job evaluation. In simplest way you are determining the worth of that job.

शुड अंडरस्टैंड कंप्लीट पिक्चर दे आर फोर जनरल मैथड्स ऑफ एवेलुएटिंग जॉब आर एवेल्युएशन मैथड जिसे कहते हैं चार किस्म के हैं वो कौन कौन से हैं रैंकिंग मैथड कहते हैं क्लासिफिकेशन मैथडर्ड वन इज द फैक्टर कंपेरिजन वेन यू आर कंपेयरिंग डिफरेंट फैक्टर्स एंड फोर्थ वन इज द्वाइंट फैक्टर इसके बाद हम इन सब को इंडिविजुअली भी डिस्कस करेंगे लेकिन वो डिस्कस करने से पहले एक चीज मैं क्लियर करता चलूं कि बहुत सारी चीजें अवरलैप इसमें नजर आएंगी आपको एंड अगेन इट डिपेंड कुछ बहुत सिंपल मेथड्स हैं उसमें चंद पॉइंट लेके वो डिसाइड करते हैं एंड किसी जगह वो कम्प्लिकेटेड होता जाता है और ये जरूरी भी है इट डिपेंड ऑन फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन द टाइप ऑफ जॉब्स वी आर टॉकिंग अबाउट और फिर देखते हैं कि इसमें आपने या ऑर्गेनाइजेशन ने किसी किस, किस जॉब के लिए कौन सा मेथड को अडाप्ट करना चाहिए लेकिन आपने अपने आप को इस प्रोसेस के दरमियान लॉस नहीं करना

लेट्स मूव एंड सी देम वन बाय वन और अगेन जैसे मैंने आपसे कहा कि कौन सा मेथड अडॉप्ट करना है इट डिपेंड ऑन सिचुएशन टू सिचुएशन स्टार्ट विद लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट मेथड दैट इज द रैंकिंग मेथड जैसे नाम से जाहिर है क्या हो रहा है इसमें एंड दिस इज वेरी सिंपलेस्ट मैथड वो जो वैल्यूएशन कर रहे हैं वो क्या करते हैं दे फर्स्ट गो थ्रू द जॉब डिस्क्रिप्शन कि इसने क्या क्या करना होगा क्या क्या इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या क्या इसके लिए रिक्वायरमेंट है और तो फिर उनकी वो वैल्यूज डिटर्मिन करते हैं एंड वैल्यूज विद फॉर होम फॉर ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑफकोर्स देसो गेट दउटसाइड बैच मार्किंग थिंग्स कि बाकी जगहों पे क्या हो रहा है फिर उसकी उन रे, उस रैकिंग के हिसाब से उसको अरेंज करते हैं कि अच्छा ये लिस्ट है इसकी इतनी इम्पॉर्टेंस नहीं है इसने तो खाली आके सुबह दरवाज़ा खोलना है ऑफिस को क्लीन करना है यहाँ पे उस करना है ओके उसके बाद दूसरी जॉब है जो जिन्होंने आपके ऑफिस वर्क का काम करना है वॉट तो उसके तरीके से उनकी रैकिंग करते हैं उनको लेवल्स डिफरेंट पर रखते हैं बट रिमेंबर कि ये सारा कुछ करने से पहले यू मस्ट हैव वेरी क्लियर यू शुड हैव डन द जॉब एनालिसिस एंड यू शुड हैव द जॉब डिस्क्रिप्शन सो दैट डेस ऑन दो अवेलेबल इंफॉर्मेशन जो डॉक्यूमेंट्री जो आपके पास हैं चीजें उसके बेस पे फिर आप उनको रैंक करेंगे कि सबसे हाइस्ट पे पे ये जॉब होनी चाहिए इसकी ये वैल्यू है वर्थ है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मार्केट के अंदर और उसी तरह फिर उस रैंकिंग के करके फिर आप उनकी करते हैं ठीक है सो दैट इज अवर फर्स्ट मैथड वी कॉल इट द रैंकिंग मैथड सेकेंड मैथड द क्लासिफिकेशन। इसमें आपने डिसाइड करना है कि कितनी क्लासिफिकेशन करनी है आपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अमूमन आपने देखा होगा कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ग्रेड सिस्टम चलता है हर सम अग्नेशन एफ दियर डिफरेंट ग्रुप्स टाइप पब्लिक सेक्टर में हम बीपीएस जिसे कहते हैं बेसिक पे स्केल नंबर वन से लेके ट्वेंटी टू तक जाते हैं और फिर एक स्केल के अंदर एक ग्रेड के अंदर भी डिफरेंट क्लासिफिकेशन हो जाती है वंस यू हैव डिसाइडेड अबाउट दी कैटेगरीज के इन इतनी कैटेगरीज मैंने बनानी है फिर आपने हर एक कैटेगरीज को डिफाइन करना है उसके स्टैंडर्ड लिखने के किस स्टैंडर्ड पे उन्होंने कंपेयर करना कैसे उसको डिफाइन किया उसकी बाउंड्रीज क्या होंगी एंड देन यू हैव टू रेट ऑल दो कैटेगरीज इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। अब एक ग्रुप के अंदर मुख्तलिफ कैटेगरीज के लोग भी आ सकते हैं ना लेट्स सी ग्रेड 18 में फाइनेंस के लोग भी हो सकते हैं उसमें प्रोडक्शन के लोग भी हो सकते हैं उसमें मार्केटिंग के लोग भी हो सकते हैं ग्रुप कॉल क्लासेस इफ जॉब्स आर सिमिलर अगर तो एक जैसी जॉब्स हैं तो उसको एक क्लास कहेंगे और अगर इफ द ग्रुप कंटेन डिफरेंट जॉब्स ऑफ सिमिलर डिफिकल्टीज उसको हम ग्रेड्स कहेंगे जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि वो ग्रेड के फाइनास में भी लोग हो सकते हैं मार्केटिंग में भी हो सकते हैं तो क्योंकि उनकी लेवल एक ही किस्म का है तो एक ही, ही किस्म के उनको ग्रेड्स ने हम ट कर सकते हैं जो जो आपने पहले थे, उसके मुताबिक उनको अवैलुएट करते हैं और उनको अपने अपने अप्रोप्रिएट क्लासिफिकेशन के हिसाब से कैटेगराइज करते हैं और फिर उनकी विद इन सेम क्लास और ग्रुप के अंदर आपकी डिस्क्रिप्शन बनाते हैं ताकि आपके पास एक रेफरेंस पॉइंट आ जाए कि किसी की सैलरी डिसाइड करनी है तो वो किस क्लासिफिकेशन के हिसाब से किस कैटेगरी में फॉल करता है और उसका किस ग्रेड ग्रेड क्या होना चाहिए और फिर उसके लिए आप एक गाइडलाइन बनाते हैं और उसके मुताबिक फिर उसकी कंपनसेबल फैक्टर डिटर्मिन करते हैं कि किन फैक्टर्स के बेस पे आपने उनकी कंपनसेशन ऐसे की है इसी, इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं ठीक है सो दैट इट शुड बी क्लियर Let's see. जैसे मैंने आपसे कहा कि क्लासेस बनाई जाती हैं और फिर ग्रेड सिस्टम बनाए जाते हैं न इवन विद द सेम ग्रेड यू कैन हैव डिफरेंट लेवल्स डिफरेंट क्लासेस उसी चीज को समझने के लिए एक क्लेरिकल वर्कर के एक क्लास को एक ग्रुप को डिस्कस करते हैं कि देखें कैटेगरी ए की है लेकिन उसके अंदर उनके रोल चेंज होते जाते हैं उसी के बेस पे उनकी वर्थ भी चेंज हो जाएगी उनकी कंपनसेशन भी चेंज हो जाएगी उनके बेनिफिट्स भी चेंज हो जाएंगे एंड मे बी द फैसिलिटीज विल बी आल्सो डिफरेंट लेट्स सी इट क्लास वन सिंपल वर्क टू हेल्प यू फैसिलिटेट यू सुपरवाइजरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हिम और हर इस कैटेगरी के जो लोग इस क्लास में जो होंगे कोई पब्लिक कॉन्टैक्ट उनके लिए जरूरी नहीं है उनका सिर्फ काम बैठ के काम करना है आपको फैसिलिटेट करना है ऑफिस के अंदर इसी कैटेगरी के अंदर दूसरी इसका अपर लेवल जरा हो जाएगा वो क्या होगा सिंपल वर्क यस नो सुपरवाइजरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बट उसकी जिम्मेदारी में पब्लिक कॉन्टैक्ट आ जाएगा सी एक ही कैटेगरी के अंदर डिफरेंट क्लासेस हैं फर्क हो गया उनके अंदर इसी बेस पे उनकी वर्थ भी डिफरेंट हो जाएगी थर्ड क्लास को देखें वर्क ऑफ मीडियम कंप्लेक्सिटी नो सुपरवाइजरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बट यस दे हैव टू हैव पब्लिक कंटैक्ट टू इसमें उसकी वर्क कंप्लेक्सिटी थोड़ी सी बढ़ गई है सिंपल वर्क से थोड़ा सा कंप्लेक्स वर्क आ गया तो एक रेफरेंस पॉइंट मिल गया ना आप जिसकी बेस पे आप उसकी डिफरेंट कंपनसेशन सिस्टम बना सकते हैं सिमिलरली क्लास फोर को लेते हैं इसके अंदर मीडियम कंप्लेक्सिटी काम कर पास सुपरवाइजरी रिस्पांसिबिलिटी भी है किसकी सुपरवाइजरी वो जो क्लास टू और क्लास वन के लोग थे या क्लास थ्री के लोग थे उनमें से किसी की ये सुपरवाइजर का रोल भी प्ले कर रहे होंगे सीनियर है थोड़ी सी ऊपर की क्लास में है और पब्लिक कांटेक्ट भी हो रहा है क्लियर सिमिलरली क्लास फाइव कंप्लेक्स वर्क करना है इन्होंने सुपरवाइजरी काम भी करना है और पब्लिक कांटेक्ट भी करना है तो इनकी वर्थ उन सबसे ज्यादा आ जाएगी इसका लेवल हाई पे चला जाएगा सो दैट इज वेट इज क्लासिफिकेशन राइट नंबर थ्री फैक्टर कंपेरिजन किन फैक्टर के बेस पे एक जॉब दूसरी जॉब से एक जो पर्सन है दूसरे पर्सन से फर्क है दिस इज अ वाइडली यूज मैथड टू रैंक जॉब बाई अ वराइटी ऑफ स्किल्स एंड डिफिकल्टीज एंड देन ए नोमिकाइट रेटिंग फॉर ईच जॉब वो जितनी डिफिकल्टीज है जितने स्किल चाहिए जिस एन्वायरमेंट में काम चाहिए इन सब को क्वांटिफाई करके आपने नोमेरिकल वैल्यू निकालनी है कि यस yes, इसके इतने पॉइंट है इस जॉब के लिए इस जॉब के लिए इतने पॉइंट होने चाहिए और उसी पॉइंट के बेस पे फिर आप उनके लिए कंपनसेशन डिसाइड करते हैं बट यू गेन यू नीड जॉब डिस्क्रिप्शन टू सी टू वट स्किल्स वट क्या क्या चीजें उसमें सब में शामिल है क्योंकि जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर जॉब स्पेसिफिकेशन भी होती है दोनों चीजें इसके अंदर शामिल है यू हैव टू डिटर्मिन कंपनसेबल फैक्टर्स लाइक मेंटल फिजिकल स्किल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्किंग कंडीशन ये सारी चीजें वो फैक्टर्स हैं जिसके बेस पे आपने एक जॉब को दूसरी से डिफरेंट करना है डिफरेंट लेवल पे लेके आना है डिफरेंट ग्रेड्स के लिए रिकमेंड करना है फिर आपने वो की जॉब्स लेनी है मस्ट वेरी ऑन द फैक्टर बेसिस यस एंड मस्ट हैव वेल डिफाइंड रेट्स क्वान्टिफाई करना है आपने उन सब चीज़ों को एंड अगेन यू हैव टू है ईच जॉब ऑन ईच फैक्टर बेसिस एंड असाइन मॉनिट्री वैल्यू फॉर दो फैक्टर्स स्किल्स में नॉलेज बेस में किसी ने मास्टर किया है किसी ने पी एच डी की है तो दोनों के फैक्टर्स डिफरेंट हो जाएंगे ना और फिर उसके बेस पर आप उसकी रेट डिसाइड करते हैं और इसी तरह बाकी सारी जॉब्स को अवेल्यूएट करके फिर आप एक सिस्टम बनाते हैं दिस इज अनदर वे ऑफ अनदर मैथड ऑफ जॉब अवेलुएशन द लास्ट वन दॉइंट फैक्टर मैथड्स बेसिकली इसको पॉइंट मैथड कहते हैं लेकिन इसके अंदर भी फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं द पॉइंट मैथड इज मोर क्वानिटिटेटिव एंड बिट कम्पलेक्स टू वो सारे फैक्टर्स को आइडेंटिफाई किया जाता है जिसके बेस पर आप कंपनसेशन की डिसाइड कर सकते हैं डिसन कर सकते हैं इसके अंदर कुछ स्टेप्स हैं क्विकली लेट्स गो थ्रू दोस्त थिंक यू हैव टू टेन द जॉब डेटा सेलेक्ट प्रॉपर वैल्युएटर हु शुड डिफरशिएट दोस्क हु एबल टू आइडेंटिफाई दोस्त थिंक एंड सेम टाइम यू हैव टू आइडेंटिफाई दोज कंपनसेबल फैक्टर्स जिनके बेस पर आप उनकी वर्थ को डिटर्मिन करेंगे उनको डिफाइन करेंगे ताकि वो किसी के लिए भी कोई अगर मसला है तो वो देख सके कि इसका क्या मतलब था इसकी क्या लिमिट है एक स्केल बनाएंगे फिर कि यहाँ से यहाँ तक जो पॉइंट होंगे यहाँ से यहाँ तक जो फैक्ट्रे है वो इस कैटेगरी में आता है उससे आगे दूसरी कैटेगरी में चला जाएगा एंड देन You will assign them the quantitative value, the point value for each factor. Assigning points to degree levels within each factor, That that range will be different levels points, you will determine. And based on that, you will write the complete job evaluation document. On base which, you will further determine the worth of the and decide the salaries And you will evaluate all the jobs related to the job. So these are the Four methods, as I said, for the job evaluation, mostly written in your textbooks, and of course, people also practice them. Now, let us see which one should we pick. What should be the criteria when considering which method should we use? Very simple. It depends again on your requirement, the organization's requirement, and it vary from organization to organization.

क्लासिफिकेशन फैक्टर मेथड्स और पॉइंट मैथड हर एक के साथ एक कितनी इसके अंदर एक, आपने जाना है तो उसके साथ उसकी कास्ट भी एसोसिएट है और इसी तरह सिंपल से जैसे मैंने कहा था कंप्लेक्स है सो फर्स्ट क्राइटेरियन शुड बी आप सिंपल चीज की तरफ जाना चाहते हैं कंप्लेक्स ही जाना चाहते हैं और फिर अगेन डिपेंडिंग ऑन ऑब्जेक्टिव और हर एक पे कितनी कास्ट है और कितनी कास्ट आप बेयर कर सकते हैं एक्सेप्टेबिलिटी आपके सेटअप के अंदर कौन सी चीज़ ज्यादा एसेप्टेबल होगी किसको आप ज्यादा अच्छी तरह कम्युनिकेट कर सकते हैं किसको ज्यादा अच्छी तरह आप इंप्लीमेंट करवा सकते हैं दैट इज अनदर कंसर्न अनादर क्राइटेरिया ऑफ चेकिंग ऑफ पिकिंग विच मैथड शेड्यूड आप और फिर उसकी रेलिवेंस और वैलिडिटी भी देखनी है कितना रिलायबल है वो सिस्ट वो जो मैथड है आपकी इन्वायरमेंट के अंदर आपकी सेटअप के अंदर और कितना वैलिड है कि जो चीज आप करना चाहते हैं क्या वाकई वही आपको मिल रही है कि नहीं तो बेसिक थिंग्स बेसिक क्राइटेरिया दैट वी शुड नो बिफोर गोइंग फॉर एनी ऑफ दीज मैथड्स और आजकल तो कंप्यूटर आ गए हैं और इसने तो बड़े काम आसान कर दिया आपके एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस इज अ टूल यू आर गेटिंग बेनिफिट ऑफ इट तो इस बेस पे आप तो आपका अच्छा एक सिस्टम बना हो आपका डेटा बेस अच्छा है एंप्लॉइज का आपने जॉब डिस्क्रिप्शन सारी कुछ डॉक्यूमेंटेड की हुई है फिर तो कोई मसला ही नहीं यू नीट ट्रेन पीपल हु कैन सिट देयर एंड विद द मिनिमम टाइम दे केन गेट द प्रॉपर रिजल्ट फॉर यू तो इस टूल को भी यूज करके आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपनी एवेलुएशन सिस्टम को अडाप्ट कर सकते हैं कोई भी मैथड यूज कर सकते हैं और उसमें कास्ट भी सेव होगी ऑफ कोर्स, और सबसे इंपॉर्टेंट एक्यूरेट इंफॉर्मेशन और टाइम सेव होगा आपका तो दिस इज अगेन आपकी टेक्स्ट के अंदर इसका जिक्र है कि कंप्यूटराइज्ड जॉब एवेल्युशन सिस्टम भी आप यूज कर सकते हैं आप क्योंकि तो ये एज ए टूल आपको हेल्प करता है ऑल दो कैलकुलेशन और वो सारी चीजें जो हैं और आपके साथ वो ग्राफ्स वगैरह की शक्ल में भी आपको पता चल सकता है कि क्या ट्रेंड बन रहा है क्या सिस्टम बन रहा है आई थिंक एनफ फॉर जॉब वेल्यूशन लेट समराइज दैट वट वी हैव कवर सो फार इट सीम्स लिटिल विट डिफिकल्ट बट एज आई ऑलवेज से इट इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट यू शुड बी क्लियर यू मे नॉट बी क्वायर टू मेमोराइज ऑल दोस्त थिंग एग्जाम के लिए जरूर तैयारी कीजिए लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर ना तो फिर उसको आप अपने लफ्जों में भी अच्छी तरह लिख सकते हैं समराइज वुडेज लेक्चर क्या देखा आज हमने थोड़ा सा प्रीवियस जो लेफ्ट ओवर था ट्वेंटी सिक्स लेक्चर का जब एवेल्यूशन से पहले हमने परफॉर्मेंस अप्रेजल के मतलब भी डिस्कस किया आज जिसमें हमने उसकी कि, कि किस वक्त अवैल्यूशन करनी चाहिए टाइमिंग क्या होनी चाहिए और किस तरह हम अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं दैट वॉज दैट पार्ट वॉज फ्रॉम दी परफॉर्मेंस टॉपिक और उसमें हमने देखा कि इट डिपेंड अगेन ऑब्जेक्टिव के के और फिर हमने ये भी देखा कि क्यों परफॉर्मेंस प्रेज जो हैं वो फेल हो जाती हैं और बहुत सारे रीजन हमने समझने की कोशिश की और ये सारी चीजें किस लिए आपको बताई जाती हैं ताकि एक तो उस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह आप समझ लें नॉट ओनली दिस बट नेक्स्ट टाइम व्हेन यू आर एट दैट पोजीशन शुड नॉट डू दोज मिस्टेक्स यार आपको अंदाजा हो कि क्या हो रहा है क्यों हो रहा है तो उस हिसाब से हमने वो जो फेल्यूर की रीजन थे उनको डिस्कस किया और फिर हमने देखा कि एनलेस टॉप कमिटमेंट आपका सिस्टम आपको हेल्प नहीं करा तो उसका फायदा कोई नहीं परफॉर्मेंस अप्रेजल का और परफॉर्मेंस अप्रेजल परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए हमने देखा के एक प्रॉपर री सिस्टम होना चाहिए जजा और सजा का कॉन्सेप्ट होना चाहिए रिवार्ड और पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट जिसे कहते हैं होना चाहिए और एक स्पोर्ट्स सिस्टम होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो फिर ऑफकोर्स यू विल ऑलवेज बी मूविंग टूवर्ड बेटर एंड बेटर थिंग्स एंड देन वी स्टार्टेड न्यू टॉपिक टूडे दैट वॉज जॉबेलुएशन इट इज नॉट न्यू फॉर यू बिकॉज जैसे मैंने कहा था कि शुरू में कुछ लेक्चर्स के अंदर इसको हम डिस्कस कर चुके थे लेकिन आज उसकी हमने इन डेप्थ समझने की कोशिश की और वो क्या था कि इट इज टू क्रिएट टू फाइंड आउट वर्थ ऑफ ए जॉब और उसके अंदर फिर हमने चार मेथड्स को डिस्क्राइब किया एंड दे वर रैंकिंग मेथड ऑफ जॉब रेवल्यूशन द क्लासिफिकेशन मैथड दिजन मैथड एंड पॉइंट फैक्टर मैथड और फिर ये भी देखा कि क्या क्राइटेरिया होना चाहिए कि कौन सा मेथड अडॉप्ट करें उसकी आपने देखना है कि कंप्लेक्सिटी कितनी है कास्ट क्या है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपके सेटअप के अंदर कौन सा ज्यादा एक्सेप्टेबल है और गेन इट डिपेंड वेरी फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन नाउ व्हाट शुड बी नेक्स्ट आपने वैल्यूशन कर ली आपने वो स्केल बना लिए आपने ग्रेडिंग कर दी अब तो अगला स्टेप नेचुरली अब समझना है कि कंपनसेशन होता क्या है सो नेक्स्ट टॉपिक शुड बी नेचुरली द कंपनसेशन सिस्टम द बॉटम लाइन द कैच द मनी ऑफ कोर्स नॉट ओनली मनी द अदर थिंग्स टू सो दिस थिंग विल बी डिस्कसिंग इनशाला इन अवर नेक्स्ट लेक्चर सो वी आर डन फॉर टूडे तो कैसा रहा आज का ये लेक्चर आई होप थिंग्स आर क्लियर प्रोवाइडेड यू हैव डन योर पार्ट के लेक्चर सुनने से पहले आपने पढ़ा हुआ था इसी तरह अगले लेक्चर के लिए भी यू टूट बी रीडिंग वट द कम्पन्शन पार्ट तो अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर से आप सर्फिंग भी कर सकते हैं इस टॉपिक को पढ़िए और इसी उम्मीद के साथ कि आप पढ़ेंगे और मेहनत करेंगे टिल दैट टाइम السلام عليكم انا الله حافظ